उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं के चयन पर मुहर लगी। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पहले चरण के विकास का काम ओप्पो और दूसरे चरण के विकास का काम दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया। बता दें कि इस योजना से करीब 60,000 नौकरियों के अवसर खुलेंगे। कैबिनेट में ये अहम फैसले, जहां पर यूपी नगर पालिका नियमावली को मंजूरी मिल गई है। मेरठ और सिंधौली में बन रहे 40 केवी ट्रांसमिशन के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। यूपी सरकारी सेवक नियमावली में बदलाव किए गए। ये तमाम चर्चा की गई बैठक में, जिसके बाद प्रस्ताव पास हुआ। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना को भी मंजूरी मिली है। स्टाम्प नियमावली में भी बदलाव किया गया है और मदरसा आधुनिकीकरण योजना के नवीन गाइडलाइंस के अनुसार व्यवहार निर्धारण किए गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ताओं का भी चयन किया गया और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माणकर्ताओं का भी चयन किया गया है। तो ये तमाम वो बिंदु जिन पर चर्चा की गई और ये प्रस्ताव पास हुए हैं। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।